If you're new to my channel, press the subscribe button and press the bell icon to never miss any update from my channel. दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल T24 टाइम पे। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है लाइव के F211S मॉडल जिस पे कि आज मैं आप लोगों को इस फोन को फ्लैश करूंगा और इसमें नया सॉफ्टवेयर कैसे डालते हैं उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इस फ़ोन में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका फ़ोन लॉक हो जाए या आपका फ़ोन ब्लिंक करने लगे या आपका फ़ोन जियो के लोगों में रुका रहे या फिर आपके फ़ोन में पावर ऑन करते ही रिकवरी मोड आ जाता हो। तो आज के इस वीडियो में आपको फुल इसका सलूशन दूंगा और साथ में इसकी फ्लैश फाइल भी आप लोगों को दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जो मेरी ये फाइल है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है। इसके अंदर एक पासवर्ड भी डला हुआ है जिसका कि मैं पासवर्ड ही आप लोगों को बताऊंगा, जिसका कि आपसे मैं कोई भी चार्जेस नहीं लूंगा और आपको फ्री में ये पासवर्ड दूंगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो ये पासवर्ड है ये मैं अपने वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, वहाँ पर आपको इस फाइल का पासवर्ड मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसका मॉडल नंबर आपको दिखा दूँ, ये लाइव का है F211S मॉडल है। और अब चलते हैं सीधे हम अपने सिस्टम पे और अब आपको बताते हैं कि इसके बाद आपको करना क्या है और वो फाइल कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने सिस्टम पे आया हूँ और ये है वो फाइल। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसका जो अगला वीडियो आएगा वो ओमनी एसटी के लिए आएगा, क्योंकि मैं इसके एक ओमनी एसटी वाली फाइल भी बना के आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर देखिए ये है लाइफ का F211S मॉडल और ये फ्लैश फाइल है। तो कुछ इस तरह से होगी जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे मेरे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके। तो यहाँ पे फिर इस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे एक पासवर्ड पूछेगा जो कि पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। ये पासवर्ड आपको मेरे वीडियो के बीच पर मिल जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ पर जब पासवर्ड डाल के इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से प्रोसेस होगी और उसके बाद ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और एक नया फोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि इस फोन को कैसे कनेक्ट करना है और कैसे इसको फ्लैश करना है। तो यहाँ पे देखिए जब स्ट्रेट करेंगे तो कुछ इस तरह से फोल्डर दिखेगा, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। और जब ओपन कर लेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो इसके अंदर आपको SSD ड्राइवर देखने को मिलेगा और ये एक फाइल देखने को मिलेगी जो इसकी फ्लैश फाइल है और साथ में एक टूल मिलेगा। तो लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के पहले ही आप के सिस्टम में जो भी एंटीवायरस ऑन हो उसको आप ऑफ़ कर दीजिए। यदि विंडो डिफाइंडर ऑन हो तो उसको भी ऑफ़ कर दीजिए, नहीं तो ये फाइल को डिलीट कर देगा। आपका एंटीवायरस और विंडो डिफाइंडर इसको डिलीट कर देंगे और ये फाइल आपके सिस्टम पर ओपन नहीं होगी। तो यहाँ पर इस टूल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, साथ में आया है इस टूल, इसी टूल से हमको फ्लैश करना है, बाहर के किसी भी टूल से इस फोन को फ्लैश नहीं करना है। जो साथ में मैं दे रहा हूँ इसी से आपको फ्लैश करना है। तो इस टूल वाले फोल्डर को हम ओपन करते हैं और यहाँ पे BIN पे जाते हैं, बिन पे, और यहाँ पे इसका अपग्रेड डाउनलोड है टूल। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से उसका इंटरफेस दिखेगा, इस पर हम दो बार जल्दी जल्दी क्लिक कर देते हैं या फिर राइट क्लिक करके ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ओपन कर दिया हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी परमिशन मांगेगा, यस कर देते हैं और उसके बाद कुछ इस तरह से इस टूल का इंटरफेस होगा आपके सामने। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग पे देखिए जो ये दिख रहा है, यहाँ पे एक सेटिंग का आइकॉन आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा। तो हमने जहाँ पर भी फाइल रखी है उस फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं, तो हमने डेस्कटॉप पर रखी है, तो यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप सेलेक्ट कर देते हैं। और इसके बाद ये रही मेरी फाइल, ये देखिए लाइफ F211S फ्लैश फाइल T24 टाइम। तो इस पैक फाइल को भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जो इस फाइल का पासवर्ड है वो आपको मेरे स्क्रीन पर भी शो करेगा और एक बार मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा भी क्या इसका पासवर्ड है। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी डिमांडेड ये फाइल है, इसके चलते मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। केवल इसमें मैं आपको बताऊंगा और फाइल भी दूंगा साथ में कैसे इसको फ्लैश करना है। तो यहाँ पे देखिए जो फाइल है वो फाइल इस टूल पे लोडेड हो चुकी है और यहाँ पे देखिए कुछ तरह से नेम भी आ रहा है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यदि आप लोगों ने अभी तक ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया है, तो ड्राइवर यदि पहली बार आप अपने फ़ोन को फ्लैश कर रहे हैं तो ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर चलिए मैं सबसे पहले ड्राइवर बता दूँ, तो साथ में वो जो ड्राइवर भी मिलेगा आपको मेरी फाइल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए इस पर IDE NPI USB ड्राइवर लिखा है, इस पर हम क्लिक करते हैं
और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए ड्राइवर दिख रहा है, तो यहाँ से आप मैनुअली भी ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आपसे मैनुअली नहीं आता है करते तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यदि आपके सिस्टम पे ये 32 इंस्टॉल और 64 इंस्टॉल लिखा है, इन दो में से कोई भी ऑप्शंस वर्क नहीं कर रहा है, इनको केवल आपको कुछ नहीं करना है, ओपन कर देना है, ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल होने लगेंगे। और यदि ये इंस्टॉल नहीं हो रहे, ओपन नहीं हो रहे हैं, तो आप बताइए, तो मैं मैनुअली भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैनुअली ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो ये रहा ड्राइवर का। अब चलते हैं टूल पे, तो देखिए टूल पे फाइल तो लोड हो चुकी है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमने जैसे क्लिक किया ये अब हाइड हो गई है, अब इस पर दोबारा क्लिक नहीं होगा, मतलब हमारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट है। अब हमको फ़ोन को कनेक्ट करना है अपने सिस्टम से, तो एक डाटा केबल आपके सिस्टम से लगी होनी चाहिए जो कि अच्छी क्वालिटी की डाटा केबल होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या करना है, आपको अपने फ़ोन पे बैटरी लगा देना है, और बैटरी लगा देने के बाद इसकी जो स्टार वाली बटन होती है उसको आपको दबा लेना है, और स्टार बटन दबे दबे ही आपको डाटा केबल को कनेक्ट कर देना है, तो ये फ़ोन आपका कनेक्ट हो जाएगा और आपके सिस्टम से आवाज़ भी आएगी। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम पे प्रोसेस स्टार्ट हो गई है फ्लैशिंग की। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको फ्लैश होने में, तब तक वेट करते हैं। तो चलिए मैं इसका पासवर्ड भी आपको बता दूं, जो मेरी इस फाइल का पासवर्ड है वो आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, और जो इसका पासवर्ड है वो है, आपको टाइप कर देना है स्मॉल लेटर में T24 टाइम Lyf F211S फाइल FILE, यही इसका पासवर्ड है। मैं एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, T24 टाइम Lyf F211S FILE फाइल, ये है इसका पासवर्ड। इस पासवर्ड को डाल के आपको स्टार्ट कर लेना है इस फाइल को। तो यहाँ पे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट का टाइम लिया जाएगा इसकी फ्लैशिंग में, और इस 5 से 10 मिनट के अंदर ये फ्लैशिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। तब तक हम लोग वेट करते हैं और वीडियो को थोड़ा मैं करता हूँ फास्ट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे देखिए जो पास लिख के आ चुका है, यहाँ पे देखिए पास्ट लिखा हुआ है, मतलब हमारी जो फ्लैशिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक बार स्टॉप कर देते हैं और इसको कट कर देते हैं, और अब फ़ोन की तरफ चलते हैं और डाटा केबल को बाहर निकालते हैं, और उसके बाद इसकी बैटरी को बाहर निकालते हैं, और ये फ़ोन को कर देते हैं ऑन। तो यहाँ पे जो हमारा फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा। तो ठीक, इस तरह से इस फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम रही होंगी सॉफ्टवेयर की वजह से, वो सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो सिंपल सा तरीका है, मेन फाइल का काम होता है, जो कि फाइल मैं आपको फ्री में ही दे रहा हूँ। अभी तक ये फाइल आपको पैड फाइल के रूप में मिलती रही होगी, लेकिन मेरे चैनल पे ये फाइल आपको एकदम से फ्री में मिलेगी, इसका मैं आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लूँगा। तो इसके लिए एक वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि पहली बार है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज मैं अपने चैनल्स पर अपलोड करता रहता हूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप आपको किस मॉडल के लिए ओमनी फाइल या फ्लैश फाइल चाहिए, तो उसका भी मैं वीडियो लेके आऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पे ये फ़ोन पूरी तरह से बूट हो चुका है, इसका लैंग्वेज सेलेक्ट करके हम नेक्स्ट नेक्स्ट कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए ये फ़ोन पूरी तरह से ऑन हो चुका है। अब इसके बाद इसकी सेटिंग पे चलते हैं और इसका मॉडल नंबर दिखा देते हैं। तो ये देखिए डिवाइस इन्फॉर्मेशन में गए, और ये वहाँ पे देखिए लाइफ का F211S मॉडल नंबर है, जो कि iOS 2.5 वर्जन है। और यदि आपको इसका ओमनी वाला फाइल चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वेट करिए, जैसे ही इसका ओमनी वाला वीडियो मैं बनाता हूँ तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Yeah.